नमस्कार। अडानी घूस मामले के हर एक पहलू के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद अब अमेरिका से अडानी ग्रुप के लिए एक और आफत आई है। अमेरिकी अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। उन पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अदालत ने इस मामले में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। अडानी ग्रुप पर $25 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगा है। यह आरोप ऐसे समय लगा है जब अडानी ग्रुप अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों से उभर रही है। कांग्रेस ने पीएम को घेर कर कहा कि पीएम अडानी को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि अजीब बात है, कांग्रेस लगातार अडानी और इससे जुड़े घपलों को जांच की बात कह रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से अडानी को बचाने में लगे हैं। यही वजह है कि अडानी की जांच होगी तो हर कड़ी नरेंद्र मोदी से जुड़ेगी। अडानी के खिलाफ वारंट का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति की भी मांग की है और उसी से जांच करने की मांग की है। मीडिया ग्रुप ब्लूमबर्ग ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी गौतम अडानी के आचरण के साथ इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि अडानी समूह रिश्वतखोरी में शामिल हो सकता है या नहीं। जांच में यह भी देखा गया है कि कहीं सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर फेवरेबल ट्रीटमेंट के लिए भारत में अधिकारियों को गलत तरीके से पेमेंट तो नहीं किया गया। गौतम अडानी समेत कुछ एग्जीक्यूटिव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने का वायदा किया। आरोप है कि अडानी और उनके सहयोगी ने भारतीय अधिकारियों को करीब $26.5 करोड़ देने का वादा किया, जिससे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन कर दें। इन कॉन्ट्रैक्ट से इंडियन एनर्जी कंपनी और उसकी अमेरिकी साझेदार दोनों को मुनाफे के लिए रास्ता तैयार होता। मामले को छिपाने के लिए कोड नेम, इनक्रिप्टेड मैसेज और झूठे बहाने का इस्तेमाल किया गया। आरोपों के मुताबिक उन्होंने रिश्वत के पैसों को कई हिस्सों में बांटा ताकि इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सके। आरोप यह भी है कि ये सभी काम गौतम अडानी के निर्देश पर हुए और उन्होंने हायर लेवल पर फैसले को प्रभावित किया। अब बात करते हैं अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी ग्रुप के किन लोगों पर आरोप लगाए हैं। तो बता दें कि अडानी ग्रुप की कंपनी के उन तमाम लोगों को साजिश का हिस्सा बताया गया जो किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, उनके भतीजे और कंपनी के एग्जीक्यूटिव सागर अडानी आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा इंडियन एनर्जी कंपनी के पूर्व सीईओ विनीत एस जैन, अमेरिकी सुसर के पूर्व सीईओ रंजीत गुप्ता के साथ साथ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी आरोपी बनाया गया है। मामले में तमाम कंसल्टेंट्स पर भी योजना को अंजाम देने और इसे छुपाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। हम आपको आरोपियों पर लगे आरोपों, अमेरिकी कोर्ट में चल रही कार्रवाई के विवरण के साथ साथ इस मामले के हर एक पहलू से रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों पर विस्तार से जवाब देने का मन बना लिया है और यह भी कहा कि मीडिया में सफाई से कहीं अदालती प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं होगा, वह इस पर भी ध्यान रखे हुए हैं। वहीं अमेरिकी कोर्ट में अमेरिकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने तमाम आरोप लगाए। अमेरिकी कोर्ट में अडानी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान फेडरल प्रोसिक्यूटर ने आरोप लगाया कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक अडानी और उस अन्य प्रतिवादियों ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को $25 लाख से अधिक की रिश्वत देने का वादा किया। आरोप यह भी है कि ये बातें फंड जुटाते समय अमेरिकी निवेशकों से छुपाई गई। प्रोसिक्यूटर्स ने अमेरिकी फैसलों को प्रभावित करने और वित्तीय संस्थाओं को गुमराह करने के लिए एक जटिल योजना का खुलासा किया।
साथ ही अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाने की कोशिश करते समय इस योजना को छुपाया। साथ ही इस साजिश की जांच को भी बाधित करने के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी ने षड्यंत्र किया। इस खुलासे के बाद अडानी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह गिरावट चंद दिनों की ही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी राणा, राजनीतिक विश्लेषक, और दिनेश शर्मा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अश्विनी राणा जी आपसे, इसे आप घोटाला मानेंगे, घपला मानेंगे? अश्विनी राणा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जो पूरा खुलासा हुआ, इसे आप घोटाला मानेंगे, घपला मानेंगे, घूसखोरी का मामला मानेंगे, कितना बड़ा मामला मानेंगे? ऐसा है, ये ना तो घूसखोरी का मामला है और ना कुछ है, ये एक षड्यंत्र है। देखिए, आप टाइमिंग देखिए, वो सारी जो ताकतें हैं जो नहीं चाहती अडानी जो है वो पावरफुल हो, भारत की जो ताकत है वो बड़े, जब पहले आईपीओ लेके आ रहे थे अडानी का 21,000 करोड़ का आईपीओ था, उस समय हिंडनबर्ग का एक फुलझड़ी छोड़ी गई। अभी जब ये 600 मिलियन डॉलर के बॉन्ड जो है उस लेके आ रहे थे, उस समय ये किया गया। अब आप ये देखिए कि घूसखोरी हुई हिंदुस्तान में, आरोप लग रहे हैं वहां पर। अश्विनी जी, ये भी समझना चाहेंगे हम आपसे कि ये मामला अमेरिका में आखिर दर्ज क्यों हुआ, जबकि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एजोर पावर ग्लोबल लिमिटेड दोनों से संबंधित मामला है, जो कांग्रेस शासित 4 राज्यों में ऑपरेट कर रही है, तो यह मामला अमेरिका में क्यों दर्ज हुआ? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें ये एक षड्यंत्र के नाते हो रही है। अभी ट्रंप आने वाले हैं, ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उनके राष्ट्रपति अपना ग्रहण करने से पहले ये जो ताकतें वहां अमेरिका में है वो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है, जिससे कि जो देश की ताकत है, अर्थव्यवस्था है उसको, और देश की अर्थव्यवस्था में क्या है आज, अडानी अंबानी अगर कहें ये इसके ऊपर ही क्यों है, बाकी इतनी इंडस्ट्री और उनके अपने राज्यों में उन्होंने जो है, अगर उनको लगता था कि अडानी ने उनके कांग्रेस शासित प्रदेश में कोई रिश्वत दी है तो यहां उसके लिए वो आरोप लगाना चाहिए था। आप अमेरिका के द्वारा और ऐसे समय में जब सरकार बदल रही है, वो अपना एक बॉन्ड का इश्यू ला रहे हैं, यानी उनकी ताकत को कम किया जाए, उनकी ताकत यानी अल्टीमेटली तो देश को नुकसान है। और आज मैंने सुना उनको, राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें सब पता था, हमें पता, अरे आप कोई भविष्य देखता हो कि आपको दिखता है क्या क्या हो रहा है, यानी वो जो टूल किट काम करती है उसके आप हिस्सा हो, यानी क्या करना चाहते हैं, मतलब देश। अश्विनी जी, एक मुद्दा ये भी है कि अमेरिका में बताया जा रहा है कि मामला इसलिए दर्ज हुआ है चूंकि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ, इसलिए वहां मामला दर्ज हुआ। लेकिन आप बेहद अहम बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका के जो इन्वेस्टर से थे, जो इनका पैसा एक तथित तौर पे माना जा रहा है कि उनका पैसा रिश्वत के तौर पे प्रयोग किया गया अमेरिका में, इसलिए मामला दर्ज हुआ। लेकिन अब एक दूसरा सवाल उठता है जो आपके जरिए निकल रहा है कि क्या इसके जरिए अमेरिका लगातार भारत पे दबाव बनाए रखना चाहता है, क्या वह शक्ति संतुलन के लिए भारत के उद्योग जगत को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है? दिनेश शर्मा जी, इस पे आपका जवाब चाहेंगे। डॉक्टर साहब, भारत और अमेरिका के बीच पिछले 5 सालों से जो हमारे रिलेशनशिप है वो बहुत ही नीचे के स्तर के ऊपर पहुंच चुके हैं। अमेरिका हमसे, हमारे साथ उसके मतभेद हैं, वो हमारे साथ खुश नहीं है कुछ कारणों की वजह से। सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाहता है कि हम रूस से दूरी बनाएं, लेकिन रूस के साथ जो है हमारे बहुत अच्छे गहरे संबंध हैं, कूटनीतिक संबंध है,
और ये एक टाइम टेस्टेड ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। दूसरा कारण जो मतभेद का है वो है कि ईरान के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं है, उनके अच्छे संबंध ना होने के बावजूद भी भारत ने उनके चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है जो कि अमेरिकन्स को अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा टाइम टू टाइम जो ये है हमारे आंतरिक मामलों के अंदर जो है हस्तक्षेप करते हैं, कभी मानक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का करते हैं, कभी मीडिया की स्वतंत्र नहीं है और कभी माइनॉरिटी के बारे में हमें टाइम टू टाइम हमारे ऊपर क्वेश्चन करते हैं, हमारी आंतरिक पॉलिसी के आंतरिक मामलों के ऊपर ये करते हैं। इन्होंने ये देखा है कि भारत को ये किसी तरह से अपने पक्ष में, अपनी नीतियों के पक्ष में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि यूएस को अच्छा नहीं लगा था जब हम एक तटस्थ रहे थे रशिया और यूक्रेन वॉर में, इतनी सैंक्शन लगने के बावजूद रशिया के ऊपर हम उनसे फिर भी तेल खरीद रहे हैं, ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, अमेरिका चाहता है कि हम चाइना के साथ बहुत स्ट्रांग ढंग से पेश आए, लेकिन हम उनके चाइना को हम अपनी विदेश नीति और एक सुलझी हुई विदेश नीति के तौर के ऊपर हम उनके साथ डील कर रहे हैं। फिर इन्होंने और हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया ये गुरुप्रवंत सिंह पन्नू के हत्या के बारे में, ये हमारे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया और हमारे कुछ लोगों को इन्होंने उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अडानी का आया है, जहाँ बाकी और प्रकार के ये जो हमारे साथ हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये इनकी हमारे और उनके जो मतभेद हैं, हमारे जायज हम जायज चीजें करना चाहते हैं जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आती। व्यापार के मामले के अंदर भी वो चाहते हैं कि पूरे रक्षा के हथियार जो हैं वो सिर्फ हम अमेरिका से खरीदें, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है जो पॉलिसी है इस समय कि मेक इन इंडिया, अगर हम आपसे हथियार खरीदेंगे हम चाहेंगे कि आप उन हथियारों की नो हाउ हमें दें और बाकी की चीजें जो है हम मेक इन इंडिया के तौर ऑपरेशन के तौर पर उन्हें हम अपने देश के अंदर बनाएंगे। तीसरा और अंतिम जो कारण है, जो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी जो मेरे हिसाब से जो मैं समझ रहा हूं, अभी दो तीन दिन पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन को उनके एंटी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी, उसके बाद जो है उन्होंने हमारे साथ संबंध खराब कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रॉब्लम या टेंशन जो हो वो 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर दिए जाएं, ताकि हम उनको अंडरमाइन कर सकें उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को। जी डॉक्टर साहब, तो एक इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर वो केवल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या अडानी की गिरफ्तारी हो सकती है? चूंकि राइटर्स के हिसाब से यह बताया जा रहा है, राइटर्स न्यूज एजेंसी है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। अब इस गिरफ्तारी के वारंट को कितनी संजीदगी से लेना चाहिए अडानी को और भारत सरकार को? दूसरा कि क्या यह अभी भी केवल प्रेशर बनाने का जरिया है? डॉक्टर साहब आप मुझसे पूछ रहे? जी जी दिनेश जी। जी डॉक्टर साहब, लीगल मामलों में जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, आई एम नॉट ए लीगल एक्सपर्ट, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और ये अडवाणी जी और नहीं, इंटरपोल की अगर मदद मांगी जाएगी तो क्या अरेस्टिंग हो सकती है, इसकी संभावना लगती है, जिसको नकारा जा भी जा सकता है? जी बिल्कुल है, हमारे अपने कोर्ट्स हैं, अपने हैं इंटरपोल, यस हम उसमें सिग्नेटरी हैं, लेकिन इंटरपोल की फंक्शनिंग के ऊपर हमने पहले भी देख चुके हैं, हमने भी इंटरपोल को दुनिया भर के नोटिसेस दिए थे जो हमारे राजनीतिक कारणों से इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। तो इस बात से साफ है कि इंटरपोल की इस अगर अमेरिका इंटरपोल की मदद लेता भी है तो इससे अडानी के ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा ये समझना होगा दिनेश शर्मा जी, फर्क यहाँ पड़ेगा कि अडानी को एक पर्टिकुलर एरिया में घेर के रखा जाए ताकि व्यापार के क्षेत्र में भारत उतनी उल्लेखनीय उन्नति न कर पाए जितनी कर रहा है। अश्विनी राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है तो
तो भारत भी क्या वहां के उद्योगपतियों के लिए ऐसे ही कुछ कार्रवाई कर सकता है? अश्विनी जी, नहीं ऐसा कोई, देखिए भारत किसी के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई करता नहीं है, और ये एक 20 जनवरी तक का एक टाइम है, उस टाइम को वो गेन करके और वहां पर जो वो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं और वो उसके अंदर सफल नहीं होंगी, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो ताकतें वहां काम कर रही हैं और हमारे इंटरनल जो ताकतें हैं वो भी उनका साथ दे रही हैं। तो कुल मिला के उनको ये समझ नहीं आता कि अडानी हो या कोई भी हो, इंडियन अगर जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर कुछ अटैक होता है तो वो अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। सुनिए जी, अगर आपकी बात मान ली जाए तो आप कह रहे हैं कि जो बिडन के कारण ही ऐसा हो रहा है, जबकि मेरा अपना निजी आकलन है, हो सकता है इसे डिफर करें। बॉर्डर नहीं है, वो तो एक खिलौना है वहाँ के उन लोगों के हाथ में जो कि वहाँ पर सत्ता को काबिज कराने में मदद करते हैं, सोरस जिनको डीप स्टेट बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल, और आपको बताऊं कि डीप स्टेट का ही एक पार्ट रहा था जॉर्ज सोरस, जो वहां का उद्योगपति है, जो अपने तमाम एनजीओ के थ्रू, तमाम एजेंसियों के थ्रू उसने यह कोशिश पहले भी की हिडनबर्ग के जरिए, ताकि जो शेयरों में उतार चढ़ाव आता है उसके जरिए फायदा मुनाफा कमाया जाए, जिसमें काफी हद तक पहली बार वह सफल रहा, दूसरी बार फेल हुआ। अश्विनी जी, जो टोटल चीजें देखने में आती हैं उससे साफ है कि अमेरिका भी और अमेरिका की CIA एजेंसी भी, जो खुफिया एजेंसी है, वह पूरी तरीके से भारत की घेराबंदी करनी चाहती है, भारत की घेराबंदी कर रही है, और यह भी चाहती है कि सीधे तौर पे भारत के आमने सामने ना आया जाए। ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, भारत के ऊपर पहले भी अमेरिका ने बहुत सारी सैंक्शन समय समय पर लगाने की कोशिश की, जब ये यूक्रेन रशिया वार शुरू हुआ तो भी दबाव डाला गया कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत ने खरीदा। आज भारत वो भारत नहीं है कि किसी के दबाव में आकर जो है, आज भारत एक अलग भारत है, तो उसको कोई वो हल्के मत ले, वो अपनी कोशिश करेंगे, वो करते रहेंगे, उनका काम है। अभी भी क्या है कि 20 जनवरी से पहले वहां पर जितने जजेस की पोस्टिंग होती है वो भी सब गवर्नमेंट करती है, तो वो चाहते हैं कि उस ट्रंप के आने से पहले उनके जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो वहां पर बैठ जाए, ताकि उनकी जो राजनीति है या उनका षड्यंत्र है वो चलता है। तो हर जो भी जो देश है, चाइना हो चाहे अमेरिका हो, कोई नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, लेकिन उसको रोकना आज भारत को मुश्किल है। और लेकिन ये जो हमारे देश के इंटरनल लोग कर रहे हैं ना, ये एक्सपोज हो चुके हैं, बाकी भी हो जाएंगे, लेकिन भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की स्पीड को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। बुधवार को ही अडानी ने 20-ईयर ग्रीन बॉन्ड निकाला था, जिसकी वैल्यूएशन निकाली गई थी $600 मिलियन, यानी 5,064 करोड़ रुपए। इतना बॉन्ड के जरिए अडानी जुटाना चाहते थे, और जैसे ही उन्होंने इसको अचीव करने की कोशिश की, वैसे ही कुछ घंटों के भीतर ही उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया गया अमेरिकी कोर्ट में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें मानते हैं कि अमेरिका का डीप स्टेट इसमें शामिल है? क्या आप मानते? जी बिल्कुल शामिल है। आप बताइए ना, 21,000 करोड़ का जब IPO अडानी ग्रीन का आया था, उस समय भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लाकर और अडानी ने सबके पैसे वापस कर दिए थे। आज भी उन्होंने, यानी वो नहीं चाहते कि अडानी जो है वो कोई प्रगति करे और अडानी के साथ भारत करे और भारत के साथ मिलके अडानी की हो। अडानी ने वो काम किए हैं, अल्टीमेटली वो जो काम कर रहे हैं जिन जिन देशों में, वहां चाइना भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि अपनी दुकान वो चला सके, लेकिन वो चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे, इसलिए भारत को घेरना मुश्किल हो रहा है। लेकिन भारत को घेरने के लिए एक मोहरे के रूप में अडानी को वो मोहरा बनाकर, क्योंकि यहाँ की जो इंटरनल फोर्सेज है वो भी यही चाहती है,
तो आप ये कह रहे हैं अश्विनी जी, अब खुल के बोलिए आप कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, आप कह रहे हैं कि वह विदेशी इशारों पे हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब, वो कैसे कह सकता है कि हमें पता था, हमें सब पता है। अरे आप कोई भविष्य दृष्टा थोड़ी हो, आप ज्योतिषी हो। पहले भी वो कहते हमें पता है, हमें पता है। अरे क्या पता है आपको? यानी आप टूल की इसका हिस्सा है, इसलिए आप इस प्रकार। वो अपने समय में कांग्रेस भूल जाती है कि जो भी विदेशी कंपनियों के साथ जो बोफर्स हो या रफेल हो, उसको भूल जाते हैं कि किस प्रकार से किक बैक लेकर वो जो यहाँ काम करते थे, और उनके अपने स्टेट में हुआ है भाई। जिन लोगों ने ऑफिसर में लिए, आप उनको पकड़ो ना उस समय के। वो तो कह रहे हैं अडानी जी को जेल भेजो। अरे वाह भैया, आपके अफसर चोर है, कह रहे हैं घूस देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना घूस लेने वाला। अडानी को जेल भेजो। वो आरोप है सर जी, आरोप लगाना एक अलग बात है, उसको प्रूव करना एक अलग बात है। चलिए, वो खड़े होना वहां पर भी हमने लिया है। दिनेश शर्मा जी, लगातार इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां भारत झेल रहा है, झेलता जा रहा है, और यह सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि इन साजिशों के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। अमेरिका कुछ इस तरीके की नीतियां बना रहा है और इस तरीके के आरोप लगवा रहा है, सामने से नहीं, कभी कनाडा को सामने लाता है, कभी ब्रिटेन को लाता है, कभी किसी को लाता है। अब पाकिस्तान चूक चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह भारत को उलझाए रखना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए नए नीति और नियम क्या होने चाहिए? एक नेता के तौर पे, एक देशभक्त के तौर पे आपको लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए, कैसे अब भारत को आगे बढ़ना चाहिए? डॉक्टर साहब, सबसे हम आगे तभी बढ़ सकते हैं कि अगर हम एकजुट हों, हमारी सरकार, हमारे देश के सब लोग जो हैं एकजुटता के साथ अपने देश को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंद एक तत्व हैं या चंद एक लोग हैं जो हमारे देश की बाहर के मुल्कों में और अंदर का भी माहौल खराब करते हैं, ताकि देश के अंदर एक फिर स्थिरता ना रह सके, पब्लिक के माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट या पूरा गवर्नमेंट हमारी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आज का भारत किसी की सुनने वाला नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और हमने। लेकिन दिनेश शर्मा जी, अगर मान लीजिए जरा भी इन बातों में सच्चाई है कि जैसा बताया जा रहा है $25 मिलियन घूस दी गई, भारतीय अधिकारियों को $25 करोड़ दिया गया घूस, ये सब चीजें तो ऐसी हैं जो चौंकाती हैं, तो क्या जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जांच जो है डॉक्टर साहब, आप आरोप लगा दिए पर आपके पास कोई सर्कमस्टांशियल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी तो होने चाहिए जिसको जांच करने के लिए। कल को मैं उठ के ऑल ऑफ ए सडन जब कोई मेरी बनी हुई कोई कंपनी है उठ के आरोप लगा देती है किसी बाहर के देश की फर्म के ऊपर या किसी एक्स वाई जेड के ऊपर, मेरे पास सब हार्ड सबूत होने चाहिए और उन सबूतों के बेस के ऊपर ही किसी प्रकार की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या अमेरिकी अदालत में केवल आरोप के बिना पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा रहा है? ये मुझे ये ऑल ऑफ ए सडन जो है ये आज एक या दो दिन के अंदर ये खबरें उठी हैं। अगर ये सारी चीजें जो है पहले सामने आई, कुछ इन्वेस्टिगेशन होता रहा, अगर दूसरे देश का कोई नागरिक या दूसरे देश की कोई कंपनी इस प्रकार के किसी किसी आरोप में या किसी इल्जाम के अंदर फंसी हुई है, तो ये उस देश का भी मुख्य कर्तव्य है कि वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसके बारे में वेल इन एडवांस बताए कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे यहाँ आ रही हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं, आप भी अपने लेवल के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये तो हमने तो कहीं नहीं इस प्रकार। दिनेश शर्मा जी, बार बार सुनी जी जो बात कह रहे हैं आपसे, 30 सेकंड में उसका जवाब चाहूंगा, जल्दी जवाब चाहूंगा कि क्या जो इनपुट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं अमेरिका को, उसमें भारतीय लोग शामिल हैं, भारतीय नेता शामिल हैं? मैं इसके बारे में एक्चुअली आई विल नॉट बी एबल टू मेक ए कमेंट कि कोई उनको कर रहा है, बिकॉज मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस तरह की मेरे पास। इस तरह के सवाल मन में खड़े होते हैं कि जो काम भारत में हो रहा था उसके सबूत अमेरिका में मिल रहे हैं, तो घर का कोई भेदिया है क्या, या जान मुझ के एक तरीके की साजिश के तहत इस तरह के आरोप गढ़े जा रहे हैं? आप दोनों इस चर्चा में बने रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए पीएन न्यूज के साथ।